मध्य प्रदेश के दतिया में आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अवैध मदिरा धारण परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग जिला दतिया द्वारा आज मंगलवार को अवैध मदिरा अड्डों पर छापेमार कार्यवाही की गई। कलेक्टर महोदय दतिया संजय कुमार के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक महोदय जिला दतिया अमन सिंह राठौर के सहयोग से तथा निधि जैन जिला आबकारी अधिकारी दतिया के नेतृत्व में आबकारी वृत्त भांडेर में स्थित पंडोखर कंजर डेरा में आबकारी एवं पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से दबिश दी गई। मौके पर 11,700 की रा गुड़ लाहन एवं 690 लीटर हाथ भट्टी शराब अवैध मदिरा बनाने एवं संग्रहित किए जाने का सामान एवं 02 मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसमें आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 04 प्रकरण एवं आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत 04 प्रकरण इस प्रकार कुल 08 प्रकरण कायम किए गए। प्रशासन एवं पुलिस बल को देखकर अड्डे से आरोपी भाग निकले, समस्त आरोपी फरार हैं। उक्त प्रकरणों में कुल जब्त शराब अवैध मदिरा बनाने एवं संग्रहित किए जाने का सामान एवं वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 8,14,000 रुपए है। उक्त कार्यवाही में निधि जैन जिला आबकारी अधिकारी दतिया, मोहित कुमार यादव SDOP KL भगोरा सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं TR वर्मा आबकारी उप निरीक्षक, शारदा प्रसाद तिवारी आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षक संजय शर्मा, प्रताप सिंह जाटव, रवि विसारिया, विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही।